नमस्कार मित्रों, व्हाट टू स्टडी इन RBWM पार्ट 7 में आपका स्वागत है। व्हाट टू स्टडी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपने इसके पहले सीरीज़ को नहीं देखा है, यानी पार्ट 1 टू पार्ट 3 पार्ट 6 को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इस सीरीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको मैं माइक्रो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, उससे रिलेटेड हम लोग MCQs करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लेसन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी कार्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जो पेमेंट करना बनाती है आसान और लाइटनिंग फास्ट, जिसका नाम है कॉन्टैक्टलेस कार्ड। तो समझते हैं सिंपल वर्ड में क्या है इसकी फीचर्स और क्यों ये आपको दे सकती है एक सेफ और क्विक एक्सपीरियंस। देखिए दोस्तों, कॉन्टैक्टलेस कार्ड, यह कार्ड आपको फास्टर पेमेंट करने की फैसिलिटी देती है, राइट, बस टैप या वेव करके। यहाँ लिखा गया ना टैप या वेव करके। 5000 तक की पेमेंट जो है, इसके लिए आपको पिन डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये याद रखिएगा। 5000 ये पूछा जाता है, राइट, विदाउट पिन डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कार्ड NFC पे काम करती है। NFC क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इसका यूज करती है, जो रेडियो ट्रांसमिशन से काम करता है, राइट, रेडियो वेव आप जानते होंगे। फिर दोस्तों, अगर ज़रूरत हो आप कार्ड को टैप वेव के साथ स्वाइप या डिप भी कर सकते हैं, यदि ज़रूरत हो तो। इसका बेनिफिट्स क्या क्या होता है? पहला बेनिफिट है स्पीड, राइट, फर्स्ट बेनिफिट इज स्पीड। तो ट्रेडिशनल कार्ड से लगभग डबल स्पीड में ट्रांजेक्शन होता है। दूसरा है बेनिफिट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का, यानी कि आपका कार्ड आपके हाथ में ही रहता है, ज़्यादा सेफ है ये। तीसरा इसका बेनिफिट है कि इंक्रिप्शन, यानी सिक्योर इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि चिप का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पिन कार्ड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है वो है लॉस प्रोटेक्शन, यानी 5000 रुपये की लिमिट से पोटेंशियल लॉस लिमिटेड है, और लॉस या थेफ्ट रिपोर्ट करने पर आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, राइट। तो 5000 का कैप लिमिट पोटेंशियल लॉस। और फिर उसके बाद दोस्तों, बैंक सेट करते हैं डेली परचेज लिमिट, जो वेरी करता है। सो डेली परचेज लिमिट सेट बाय द बैंक। लोग अभी भी ATM कार्ड विड्रॉल को POS ट्रांजेक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, राइट, ऑब्वियसली इसका ट्रेंड की बात करें, पीपल प्रेफर ATM कार्ड एज कम्पेयर टू POS ट्रांजेक्शन, राइट, यदि आप कंपेयर करें तो। RBI का रूल क्या कहता है कि हर महीने 5 फ्री ATM ट्रांजेक्शन अपनी बैंक के लिए और सिर्फ 3 दूसरी बैंक के लिए। लिमिट क्रॉस की तो 5 से 20 रुपया चार्ज लग सकता है, ठीक है। और डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करें तो अगर आपको भी लगता है कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और आपके ट्रांजेक्शन को हैसल फ्री बना सकती है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जो हमने डिस्कशन की उसके वजह से पहला क्वेश्चन है कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए बिना पिन के मैक्सिमम अमाउंट कितना है। What is the maximum transaction amount for a contactless payment without entering a PIN? 2000, 3000, 5000 या 7000? तो इसका सही जवाब है 5000, राइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन टू का क्वेश्चन टू कह रहा है कि यह कार्ड किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कॉन्टैक्टलेस कार्ड जो है कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करती है। RFID नहीं, NFSC, बिल्कुल सही। QR कोड नहीं होगा, OTP नहीं होगा। सही जवाब है इसका नियर फील्ड टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है। ऑप्शन थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड का मेन एडवांटेज क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्टैक्टलेस कार्ड ओवर ट्रेडिशनल कार्ड? फास्टर ट्रांजेक्शन स्पीड, राइट, बिल्कुल सही बात है। हायर ट्रांजेक्शन लिमिट, नहीं, लिमिट नहीं है ज़्यादा होता है। अनलिमिटेड डेली ट्रांजेक्शन, ये भी गलत है, अनलिमिटेड नहीं है। अभी मैंने आपको 5 और 3 का लिमिट बताया था, राइट। और लास्ट कह रहा है कि ओनली यूजेबल फॉर POS पेमेंट, ये भी गलत है, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द RBI गाइडलाइन, हाउ मेनी फ्री ATM ट्रांजेक्शन आर अलॉट पर मंथ फॉर अदर बैंक यूजेस? तो दूसरे बैंक के यूज़ के लिए कितने फ्री ATM ट्रांजेक्शन अलॉट हैं? तो 3 अलॉट हैं, आपको बताना चाहिए। सेम बैंक रहे तो आप 5 बार कर सकते हैं फ्री ATM ट्रांजेक्शन, और यदि दूसरे बैंक का यूजेज रहे तो 3 बार कर सकते हैं, राइट। तो ये आप हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद चार्जेस लगते हैं। अब थोड़ा हम लोग NARCL की बात कर लेते हैं। तो देखिए, NARCL का ओवरव्यू, NARCL का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए क्या होता है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो NARCL का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जुलाई 2021 में, और इसका जो ऑथराइज कैपिटल है वो 2750 करोड़ है। इसका पेडअप कैपिटल 1409.05 करोड़ है। इसके लाइसेंस डेट की बात करें तो 4 अक्टूबर 2021 का लाइसेंस डेट है, और सार्फेसी एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर आता है ये, राइट, याद रखिएगा, अंडर सार्फेसी एक्ट सेक्शन नंबर 3। इफ यू टॉक अबाउट द ओनरशिप की बात करें तो देखिए, 51% PSB के पास है, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर के थ्रू आता है। तो याद रखिएगा, ओनरशिप जो है 51% किसका है? PSB का है, रिमेनिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर। इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट गारंटी, देखिए गवर्नमेंट गारंटी में क्या बताया जा रहा है कि 30,600 करोड़
का गवर्नमेंट गारंटी मिलता है सिक्योरिटी रिसिप्ट के लिए। सिक्योरिटी रिसिप्ट समझते हैं ना, एसआर बोलते हैं इसको। तो सिक्योरिटी रिसिप्ट के लिए 30,600 करोड़ का गवर्नमेंट गारंटी मिलता है, और खासकर किस पे, राइट, स्पेशली ये जो मिलता है स्ट्रेस एसेट के रिस्क को कवर करता है, राइट। तो इट कवर्स द रिस्क ऑफ द स्ट्रेस एसेट, तो ये हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि इसके की स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। तो देखिए SBI, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, राइट, के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, लगभग 13.5% का स्टेक है इन तीनों में, SBI, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के पास। PNB के पास 2% का स्टेक है। तो ये सभी शेयर होल्डर्स हैं। यदि हम एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो इसका एसेट जो है NRCL के एसेट को IDRCL मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है? IDRCL, फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, राइट। तो यह मैनेज करती है। IDRCL के बारे में जानकारी ले लीजिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 2021 में, इसका ऑथराइज कैपिटल है 50 करोड़, इसका पेडअप कैपिटल है 20 करोड़। अब इसका देखते हैं कितना पेडअप कैपिटल है, बहुत हाई है। और ऑनरशिप की बात करें तो जो स्टेट ऑन्ड बैंक है उसमें 49% ऑन करते हैं, खरीदते हैं इसे, और मतलब 49% ऑनरशिप जो है स्टेट ऑन्ड बैंक के पास है और बाकी प्राइवेट लेंडर के पास है, ठीक है। और फंक्शन की बात करें तो NARCL के साथ मिलकर स्ट्रेस एसेट को रिजॉल्व करने का ये काम करती है। सो इट कोलैबोरेट विद NRCL फॉर एसेट रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट, राइट। तो चलिए अब एक क्विज राउंड करते हैं, देखते हैं कितना याद रहा आपको, कमेंट में जवाब देना मत भूलिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग, अभी जो हमने कंसेप्ट क्लियर किया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डिंग इन NARCL इज हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, बताइए कितना परसेंटेज है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 51% है, राइट। उसी तरह दोस्तों दूसरा सवाल है कि गवर्नमेंट ने NARCL की सिक्योरिटी रिसीप्ट के लिए कितना गारंटी दिया है, मतलब NARCL का जो आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट के बारे में जानकारी होगी, तो NARCL का जो सिक्योरिटी रिसिप्ट होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने कितना गारंटी दिया है। अभी मैंने आपको बताया था 30,600 करोड़। उसके बाद कौन सी कंपनी, सवाल है कि NARCL के एसेट को कौन मैनेज करता है, विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एसेट एक्वायर्ड बाय NARCL, तो IDRCL करता है। फुल फॉर्म बता दीजिए IDRCL का, IDRCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, और NARCL का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये दोनों फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर, अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि बेस्ड है तो देखिए रिटेल बैंकिंग में अलग अलग बिजनेस मॉडल का यूज होता है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को बूस्ट किया जा सके। इस पार्टिकुलर स्लाइड में हम यही मॉडल को बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझेंगे। देखिए सबसे पहले आता है हमारा SBU, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। SBU का मतलब है कि इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर जो प्रोडक्ट और मार्केट पर फोकस करते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर्स, राइट। जैसे यहाँ लिखा गया है ऑटोनोमस प्रॉफिट सेंटर, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर जो कहाँ फोकस करते हैं, प्रोडक्ट और मार्केट पर फोकस करते हैं, इसी को हम लोग SBU कहते हैं, राइट। अब देखिए टॉप PSB, जैसे कि मुंबई बेस्ड बैंक हो गए, राइट, तो इस मॉडल को फॉलो करते हैं जहाँ यह प्राइवेट और फॉरेन बैंक से इंस्पायर होते हैं, राइट। तो कौन फॉलो करता है, टॉप PSB बैंक इसे फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आता है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, देखिए तो ये इनका जो मॉडल होता है, तो SBU का मतलब आपको समझ में आया ना कि इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर जो प्रोडक्ट और मार्केट पर फोकस करते हैं। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, इन्होंने शुरू से ही SBU मॉडल अडॉप्ट किया है फॉर क्लियर बिजनेस फोकस, ठीक है, ये SBU को शुरू से ही यूज़ करते हैं। और फॉरेन बैंक पहले से ही डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ SBU मॉडल का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, टॉप PSB और फॉरेन बैंक, ऑल दीज थ्री फॉलो द SBU अप्रोच, जिसमें इनका फोकस किस पे होता है, इनका फोकस होता है प्रॉफिट, प्रोडक्ट और मार्केट पर फोकस करते हैं। अच्छा दूसरा आता है हमारा फॉरेन बैंक। देखिए फॉरेन बैंक की यदि बात की जाए तो फॉरेन बैंक पहले से ही डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ SBU मॉडल का यूज करते हैं। अभी हमने बात की MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखिए दोस्तों यह एक मॉड्यूलर स्ट्रेटजी है जिसे प्रॉफिट गोल अचीव करने की कोशिश होती है। लिखा गया है ना, इट इज अ मॉड्यूलर स्ट्रेटजी टू मीट प्रॉफिट गोल, राइट। तो यह एक मॉड्यूलर स्ट्रेटजी है जिससे प्रॉफिट गोल अचीव करने की कोशिश कर की जाती है। ऑब्जेक्टिव अगर मीट नहीं होते हैं तो यह स्ट्रेटजी को एडजस्ट किया जा सकता है। तो एडजस्टेबल इफ ऑब्जेक्टिव आर नॉट मेट, राइट, ये क्लियर है, इसको हम लोग MBO बोलते हैं। अब आता है डिपार्टमेंटल अप्रोच। देखिए यहाँ फंक्शन को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, वही कहा जा रहा है कि डिवाइड द फंक्शन को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट मार्केट्स में। दूसरी बात करें भारत में जो PSBs हैं, यह मॉडल इंडियन PSB में कॉमन है जो जनरल अप्रोच को प्रीफर करता है इंस्टेड ऑफ फोकस्ड। देखिए सिंपल सा वर्ड याद रखिए, SBU में वर्ड याद रखिए फोकस्ड,
और हमारा जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है उसमें एक वर्ड याद रखिए जनरल। तो एसबीयू और जनरल, एसबीयू और डिपार्टमेंटल में यही डिफरेंट है, एक फोकस्ड है एक जनरल है। और ये जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है वो सारे के सारे पीएसबी अडॉप्ट करते हैं, राइट, फोकस अप्रोच नहीं अडॉप्ट करते हैं ये लोग। और दूसरी बात यह कि जो हमारे ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं ये कंजर्वेटिव होते हैं और रिटेल बैंकिंग को ओवरऑल बिजनेस में इंटीग्रेट करते हैं, अलग से नहीं रखते। वही कहा जा रहा है मोर कंजर्वेटिव रिटेल बैंकिंग इंटीग्रेटेड इनटू ओवरऑल बिजनेस नॉट ए स्टैंड अलोन। अब तीसरा जो अप्रोच है हमारे पास वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। अभी मैंने आपको पहला बताया एसबीयू अप्रोच, फिर हमने डिस्कशन किया अभी डिपार्टमेंटल अप्रोच, और तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच की। देखिए स्मॉल बिजनेस, यह अप्रोच सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी कंसिडर करता है, राइट, सो इट ऑल्सो कंसिडर द सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो रिस्क को कम करना और स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना इस मॉडल का मेन फोकस है, राइट। तो इस रिस्क को कम करना और प्रॉफिटेबिलिटी को स्केल के साथ बढ़ाना, ठीक है, इस मॉडल का मेन फोकस है। कौन सा मॉडल है हमारा? इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो अलग बिजनेस के लिए, अलग बिजनेस लाइन के बजाय यह एक यूनिफाइड मॉडल पर प्रीफर करता है, राइट। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का मेन फायदा क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच का मेन फायदा है इट इम्पेसिस ऑन कोहेजन। ये याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा अप्रोच है जो कि कोहेजन पे जोर डालता है। मतलब ये हुआ कि हम लोग अलग बिजनेस लाइन पे नहीं फोकस करेंगे, रैदर हम एक यूनिफाइड मॉडल प्रीफर करता है। इट प्रीफर्ड अ यूनिफाइड मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन, राइट। इसको प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम मॉडल के एलिमेंट्स की बात करें तो सक्सेसफुल रिटेल बैंकिंग के लिए प्रोडक्ट, प्रोसेस, चैनल, टेक्नोलॉजी सब कुछ इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर ये बिजनेस मॉडल आपको समझ में आया हो और आप भी बैंकिंग कंसेप्ट को इजीली समझना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के कंसेप्ट आसानी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों आइए कुछ क्विज कर लेते हैं। पहला सवाल है कि कौन सा मॉडल ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोनोमस प्रॉफिट सेंटर में डिवाइड करता है, राइट। अभी मैंने आपको बताया था इनविच टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल इज ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमस प्रॉफिट सेंटर, डिपार्टमेंटल नहीं, इंटीग्रेटेड नहीं, एसबीयू, बिल्कुल सही, एसबीयू होता है स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट। तो ऑटोनॉमस प्रॉफिट सेंटर में डिवाइड करने का काम एसबीयू के अंदर होता है। अगला सवाल है कि विच अप्रोच इज कॉमनली अडॉप्टेड बाई पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया फॉर रिटेल बैंकिंग, यानी जो हमारे इंडियन के पीएसबी हैं वो रिटेल बैंकिंग के लिए कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं, राइट। तो एसबीयू होगा, नहीं, एसबीयू अप्रोच तो हमारे फॉरेन बैंक सब वगैरह फॉलो करते हैं, टॉप पीएसबी फॉलो करते हैं। डिपार्टमेंटल अप्रोच बिल्कुल सही, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं होगा, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसका मेन फोकस कहाँ पे होता है? द इंटीग्रेटेड अप्रोच प्राइमरली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला कह रहा है डिवीजन ऑफ बिजनेस यूनिट, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वजह ये भी नहीं है, स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट भी क्रिएट नहीं होता है। तीसरा जो ऑप्शन कर रहा है ना हमारा कि कोहेजन एंड रिड्यूसिंग रिस्क टू यूनिफाइड बिजनेस, यस दिस इज करेक्ट, इंटीग्रेटेड में यही होता है कोहेजन। अभी मैंने बोला था ना कि यहाँ पे कोहेजन होता है रदर देन सेपरेट बिजनेस लाइन, राइट, यही खासियत है इंटीग्रेटेड का, नाम ही रखा गया ना इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ कोहेजन होता है और रिस्क को हम कम करते हैं यूनिफाइड बिजनेस के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कौन सा बिजनेस मॉडल न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, यानी न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा मॉडल अडॉप्ट करते हैं, राइट। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है एसबीयू। याद रखिएगा एसबीयू जो मॉडल है दैट इज अडॉप्टेड बाय द न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमबीओ स्ट्रेटजी किस मैनेजमेंट कंसेप्ट से रिलेटेड है? पहला कह रहा है मैनेजमेंट बाय रिजल्ट एमबीआर, बिल्कुल गलत। तीसरा कह रहा है एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे इंस्टेंट पेमेंट के जमाने में हर ट्रांजेक्शन अब बस सेकेंड में हो सकती है। आज के स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे पेमेंट इनोवेशन बैंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आइए समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। देखिए दोस्तों आजकल पेमेंट विद इन सेकंड कंप्लीट हो जाता है, जो न सिर्फ कस्टमर बल्कि बी टू बी बिजनेस के लिए भी बेनिफिशियल है। बी टू बी समझते हैं ना, बिजनेस टू बिजनेस जो वाला जो कंसेप्ट है उसी को हम लोग बी टू बी बोलते हैं, राइट। तो ये बी टू बी बिजनेस के लिए बहुत परफेक्ट है दिस इंस्टेंट पेमेंट इनोवेशन। तो देखिए दोस्तों मोबाइल वॉलेट की बात करें तो यह आज फिजिकल वॉलेट को रिप्लेस कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में मोबाइल वॉलेट ने 4 बिलियन ट्रांजेक्शन क्रॉस किए। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है 4 बिलियन ट्रांजेक्शन को क्रॉस किया, राइट। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी के में क्या क्या इनोवेशन आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एनपीसीआई और आरबीआई, तो इन्होंने पेमेंट टाइमिंग को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है और फ्यूचर में भी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। ये लिखा है ना, रिड्यूस पेमेंट टाइमिंग और फर्दर इम्प्रूवमेंट इज एक्सपेक्टेड। तीसरा पॉइंट है हमारा सेपा,
और यूरोपियन यूनियन, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन होता है। तो देखिए सेटलमेंट टाइम को कम कर दिया गया है, सेपा इंस्टेंट क्रेडिट ट्रांसफ़र से पेमेंट सिर्फ 10 सेकंड में हो जाती है, यानी सेपा इंस्टेंट क्रेडिट ट्रांसफ़र से आप पेमेंट 10 सेकंड में कर सकते हैं, आपका जो सेटलमेंट टाइम है वो कम हो जाता है इससे, राइट। तो ये सभी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा एफेड नाउ, देखिए कहाँ कहाँ का ये टेक्नोलॉजी है, सेपा है यूरोपियन यूनियन का, फेड नाउ कहाँ का है तो यूएस का है। अब फेड नाउ क्या करता है, यह सर्विस ट्रांसफ़र को $25,000 से कम अमाउंट के लिए सेकेंड में प्रोसेस करता है। तो यदि 25,000 से कम अमाउंट का ट्रांसफ़र करना है तो आपको विद इन सेकेंड ये प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल इंटरऑपरेबिलिटी की, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। पेमेंट अब स्टैंडर्डाइज हो रहे हैं थ्रू ISO 20022 फॉर इजी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर। ये ISO का नाम भी याद रख लीजिए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। तो स्टैंडर्डाइज हो रहे हैं ISO 20022 किसके लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। बेनिफिट क्या है, अकाउंट पेबल और रिसीवेबल जल्दी सेटल हो जाते हैं, यानी जो भी आपका अकाउंट पेबल है जो भी अकाउंट रिसीवेबल है वो फास्टर सेटलमेंट हो जाएगा। दूसरी बात ये, प्रोसेसर के लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, राइट। और B2B पेमेंट सिम्प्लीफाई हो जाते हैं, B2B जो बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट है वो सिम्प्लीफाई हो जाता है हमारे इंटरनेशनल इंटरऑपरेबिलिटी के परस्पेक्टिव में बात करें तो। और जो है प्रोसेसर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, प्रोसेसर के लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। यदि हम फ्यूचर ड्राइवर की बात करें तो दोस्तों देखिए, यह डिजिटल वॉलेट और मोबाइल पेमेंट यह सब फ्यूचर इनोवेशन को और ड्राइव करेगा। बैंक्स के परस्पेक्टिव में बात करें तो इंस्टेंट पेमेंट को फुल्ली सपोर्ट करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, राइट, अपग्रेड सिस्टम, ताकि आप जो है इंस्टेंट पेमेंट को फुल्ली सपोर्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब क्विज का टाइम है, देखते हैं आपने कितना याद रखा है, कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और सपोर्ट करें। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, यानी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का प्राइमरी बेनिफिट क्या है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लॉन्गर ट्रांजेक्शन टाइम, बिल्कुल गलत, रिड्यूस ट्रांजेक्शन भी नहीं, पेमेंट विद इन सेकेंड, यस करेक्ट, यही नाम रखा गया ना, इसलिए तो नाम रखा गया इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। दूसरा सवाल है कि EU में, यूरोपियन यूनियन में कौन सा स्कीम 10 सेकेंड में सेटलमेंट कर देता है, बताइए। तो इसका सही जवाब है सेपा, सेपा इंस्टेंट क्रेडिट ट्रांसफर जो है वो 10 सेकेंड में जो है सेटलमेंट टाइम को रिड्यूस कर देता है, राइट। थर्ड ऑप्शन है कि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए, व्हाट विल बैंक नीड टू डू टू फुल्ली सपोर्ट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, इंक्रीज फिजिकल ब्रांच, अपग्रेड देयर सिस्टम, रिड्यूस अकाउंट ओपनिंग फी, इंक्रीज स्टाफ। सही जवाब है अपने सिस्टम को अपग्रेड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज प्लेड अ की रोल इन रिड्यूसिंग पेमेंट टाइमिंग, यानी इंडिया में पेमेंट टाइमिंग रिड्यूस करने में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लीड रोल प्ले करता है। तो ऑब्वियसली NPCI लीड रोल प्ले करता है। NPCI क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको यदि इस तरह के कंटेंट के PDF की रिक्वायरमेंट है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किए हैं, तो हमारा कैप्सूल कोर्स है जिसको आप ₹120 में अवेल कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल है, कोर्स का लिंक अवेलेबल है, यहाँ से डायरेक्टली आप इस व्हाट टू स्टडी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, वन लाइनर PDF, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये सभी के कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी चीजें आपको हमारे कैप्सूल कोर्स के अंदर मिलते हैं। चलिए अगले इस कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा IBCC से रिलेटेड, यानी इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड से रिलेटेड। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो दोस्तों देखिए यहां बताया जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर का फ्यूचर अब है क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड के बारे में, जिससे बैंकिंग सर्विस और भी एडवांस हो जा रही है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल टर्म्स। देखिए इंटरनेट के थ्रू ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट, मतलब जब जरूरत हो तब सर्विस मिलती है, वही कहता है ऑन डिमांड सर्विस, मतलब डिमांड कीजिए तब सर्विस मिलेगा, राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए, कम्युनिटी क्लाउड का मतलब क्या होता है। देखिए यह एक शेयर्ड क्लाउड है जो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है जो सेम ऑब्जेक्टिव और सिक्योरिटी नीड शेयर करते हैं, मतलब जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी नीड है। जैसे मान लीजिए इंडियन बैंक के लिए एक स्पेसिफिक कम्युनिटी क्लाउड है जो उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, राइट। अब IDBRT ने एक पायलट कम्युनिटी क्लाउड सेटअप किया है स्पेशली फॉर इंडियन बैंक, जहाँ पे IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अब यदि हम इसके मॉडल्स की बात करें, ये मॉडल बराबर पूछा जाता है, एक होता है हमारा SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। देखिए इंटरनेट के थ्रू सॉफ्टवेयर मिलता है, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया आपका, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव है, ठीक है, ये आपका SaaS है। जैसे आपका मान लीजिए Office 365 है, ये भी हमारा क्या है, SaaS है, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू जो है आपको
इंटरनेट के माध्यम से बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं SaaS। फिर एक आता है PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे डेवलपर को कोडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है। मान लीजिए कि आपको एप्लीकेशन बनाना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। अब मान लीजिए कोई डेवलपर है तो कोडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है, तो वही होता है हमारा PaaS। अच्छा, अब एक होता है IaaS, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग के रिसोर्सेज बैंक को मिलते हैं, यानी सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, इन सभी चीज़ के रिसोर्सेज बैंक को मिलते हैं। यह सब होस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, राइट। तो हमने तीन चीज़ को डिस्कस की, SaaS, PaaS और IaaS, राइट। अब यदि हम बात करें कम्युनिटी क्लाउड मैनेजमेंट के बारे में, देखिए दोस्तों, यह क्लाउड उन ऑर्गेनाइजेशन के बीच शेयर होता है जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव रखते हैं। इसे या तो खुद मैनेज किया जाता है या किसी थर्ड पार्टी से मैनेज करवाया जाता है, राइट। तो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा कम्युनिटी क्लाउड को मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, आपको लगता है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए कम्युनिटी क्लाउड कितना हेल्पफुल होगा? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहला ऑप्शन कह रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ अ कम्युनिटी क्लाउड इन बैंकिंग सेक्टर, यानी बैंकिंग सेक्टर में कम्युनिटी क्लाउड का मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड IaaS एक्सक्लूसिवली फॉर बैंक, बिल्कुल सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड किया जाए, मैंने अभी आपको बताया था। IaaS में क्या होता है, बताइए कि सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग का रिसोर्सेज बैंक को मिलते हैं, यही होता है IaaS। टू ऑफर इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, नहीं, ये पर्पस नहीं है। टू डिलीवर PaaS सॉल्यूशन फॉर स्टार्टअप, ये भी नहीं है। फिर अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा सर्विस मॉडल है जो कि बैंक को अलाउ करता है कि वो अपने एप्लीकेशन को होस्ट करे प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे? तो IaaS, राइट। सवाल है कि किसने कम्युनिटी क्लाउड मॉडल को इनिशिएट किया इंडियन बैंक के लिए? तो IDRBT, ठीक है, इन्होंने जो है कम्युनिटी क्लाउड सिस्टम को इनिशिएट किया भारतीय बैंक के लिए। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा नॉमिनेशन फैसिलिटी पे माइक्रो नोट्स क्रिएट किया। कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कि नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है। ठीक है, सभी डिपॉजिट होल्डर के लिए अवेलेबल होता है ये। तो इसके अंदर क्या आता है, डिपॉजिट होल्डर, जिसके अंदर सेफ्टी लॉकर और आर्टिकल्स इन सेफ कस्टडी, राइट। तो इन सब के लिए अवेलेबल है। अब देखिए, कानून और रूल्स क्या है इसके लिए, रूल्स और एक्ट क्या है? तो बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल है, राइट, बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल है, 1985 का रूल है, और जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 45JA से लेकर 45JF में कवर है। यदि हम नॉमिनेशन फॉर्म्स की बात करें तो नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनेशन बनाने, कैंसिल करने या चेंज करने के लिए अलग अलग फॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं। नॉमिनेशन के लिए अलग है, कैंसिलेशन के लिए अलग है, वेरिएशन के लिए अलग है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए दोस्तों, सेविंग, डिपॉजिट और करंट अकाउंट, बस सोल प्रोप्राइटरशिप, करंट अकाउंट में सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली, राइट, सबके लिए एलिजिबल है। हाँ, लेकिन अकाउंट जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, यानी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ओपन अकाउंट के लिए ये नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होती है। तो सेक्शन नंबर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, वो सिंगल नॉमिनी का यहाँ कंसेप्ट है कि बताया जा रहा है कि सिर्फ एक नॉमिनी हो सकता है, बट ज्वाइंट लॉकर अकाउंट के केस में मैक्सिमम दो लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी केस में केवल एक ही नॉमिनी अलाउड है, लेकिन ज्वाइंट लॉकर केस में दो पर्सन को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अकाउंट होल्डर अपने लाइफ टाइम में नॉमिनेशन कभी भी चेंज कर सकता है। तीसरी बात यह कि अगर नॉमिनी माइनर है और सेटलमेंट एज ऑफ मेजोरिटी से पहले होता है तो नेचुरल गार्जियन माइनर की तरफ से एक्ट करेगा। तो नेचुरल गार्जियन जो है एक्ट ऑन द माइनर बिहाफ इफ सेटलमेंट ऑकर बिफोर मेजोरिटी एज, ठीक है। नॉमिनी की राइट की बात करें तो सिर्फ तब इफेक्टिव होता है जब डिपॉजिटर या सब ज्वाइंट होल्डर की डेथ हो जाए। तो नॉमिनी का राइट कब आता है, मान लीजिए जो डिपॉजिटर है उसका डेथ हो जाए, यानी सिंगल अकाउंट है तो, या सारे ज्वाइंट होल्डर का डेथ हो जाए यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो। बैंक के एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो बैंक को हर नॉमिनेशन, रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन और वेरिएशन को राइटिंग में कंफर्म करना होता है। चलिए, पहला सवाल हम लोग देखते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, दैट नॉमिनेशन फैसिलिटी कौन से अकाउंट के लिए एलिजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर अ नॉमिनेशन फैसिलिटी अंडर बैंकिंग कंपनीज रूल 1985? ऑल ज्वाइंट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अकाउंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, एक सवाल है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन फैसिलिटी? तो ज्वाइंट सेविंग अकाउंट, तो इसका सही जवाब है करंट अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये एलिजिबल है। यदि मान लीजिए कि माइनर नॉमिनी है तो अमाउंट किसे मिलेगा? यदि सेटलमेंट जो है नॉमिनी मेजोरिटी से मेजोरिटी तक पहुंच जाए, यानी सवाल ये है अगर नॉमिनी माइनर है तो अमाउंट किसको मिलेगा जब तक नॉमिनी बड़ी नहीं हो जाती है, बड़ी होने का मतलब कि 18 साल के ऊपर। तो सही जवाब है, एक सर जो नॉमिनी के नेचुरल गार्जियन है ना, राइट, उन्हें अमाउंट मिलेगा। अगला सवाल है कि ज्वाइंट लॉकर अकाउंट में कितने लोग नॉमिनेट किए जा सकते हैं? हाउ मेनी पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड फॉर ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर? सही जवाब है 2 पर्सन।
चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझते हैं। आपको यदि नॉमिनेशन फैसिलिटी के पॉइंट्स कैसे लगे और क्या यह वीडियो आपकी समझ में आसान बन पाया, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो एआई दुनिया को कितना रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहा है यह आपने नोटिस किया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे एआई के इंपॉर्टेंट बेसिक्स और कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हर इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि एआई टर्म को किसने कॉइन किया था, ये पिछली बार पूछा गया था, तो जॉन मैकार्थी ने इसे कॉइन किया था और ये एआई फील्ड का एक पायनर भी हैं माने जाते हैं। एआई का एप्लीकेशन जो है हेल्थ केयर में, जैसे मशीन लर्निंग से डिजीज़ को डायग्नोज करना फास्टर और एक्यूरेट हो गया है। चैटबॉट अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग और बिलिंग में हेल्प करते हैं, राइट। तो चैटबॉट का भी रोल है। फिर एजुकेशन में बात करें तो ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम टीचर्स की एफिशिएंसी बढ़ाती है और एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस ट्रैक करने में भी मदद करता है। फिर लॉ में बात करें तो लॉ बहुत बड़े बड़े लीगल डॉक्यूमेंट को एक्यूरेटली रिव्यू करने के लिए एआई यूज होता है जो लॉयर के टाइम और एफर्ट सेव करता है, राइट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो इंडस्ट्रियल रोबोट का यूज़ करके प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाया जाता है और ह्यूमन लेबर का बर्डन कम होता है। तो सवाल है कि एआई किसने कॉइन किया था, तो याद रखिएगा जॉन मैकार्थी ने इसे कॉइन किया था। अगला सवाल है कि ये एजुकेशन इंडस्ट्री में एआई का मेन रोल क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया एजुकेशन रोल में मेन रोल है कि इसका ऑटो ग्रेडिंग एंड पर्सनलाइज लर्निंग, राइट। चलिए अब हम लोग सर्फेसी एट के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कभी सोचा कि कैसे बैंक एनपीओ को रिकवर करते हैं बिना कोर्ट के चक्कर काटे? आज बात करेंगे सर्फेसी एक्ट की इंपॉर्टेंट कंडीशन की और प्रोसेस के बारे में इन सिंपल वर्ड्स। देखिए दोस्तों, सर्फेसी एक्ट के कुछ कंडीशन हैं। जब लोन एक एनपीए बन जाए या सिक्योर्ड एसेट के अगेंस्ट हो तभी सर्फेसी एक्ट इनिशिएट किया जा सकता है। लिखा गया ना, लोन मस्ट बी एनपीए एंड इट इज सिक्योर्ड बाय एसेट। दूसरा कंडीशन ये है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लोन का बैलेंस 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और टोटल ड्यूज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का 20% से कम नहीं होना चाहिए। ये दो तीन कंडीशन याद रखिएगा, पहले एनपीए हो, एसेट से सिक्योर्ड हो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो 1 लाख से ज़्यादा हो, राइट, और जो है टोटल ड्यूज जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का 20% से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्सक्लूजन क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड को कोलेटरल के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। और फिर यदि हम बात करें लैंडर एग्रीमेंट की, अगर कंसोर्टियम लैंडिंग है तो 60% लैंडिंग की एग्रीमेंट जरूरी है, राइट। फॉर कंसोर्टियम लैंडिंग 60% एग्रीमेंट इज नेसेसरी एंड इन्फोर्समेंट डॉक्यूमेंट विद एटलीस्ट 6 मंथ रिमेनिंग, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें 6 महीना बचा हुआ हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिमांड नोटिस, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ये सेक्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉरोवर को एक डिमांड नोटिस दिया जाता है जिसमें अमाउंट पेबल, डिफॉल्ट, ओवरड्यू पीरियड और एनपीए की डेट मेंशन होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द इशुएंस, तो नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, फैक्स, ईमेल या हैंड डिलीवरी दी जा सकती है। पोस्ट डिमांड नोटिस की बात करें तो बॉरोवर को 60 डेज दिए जाते हैं रिप्लाई करने के लिए और क्रेडिटर ऑब्जेक्शन का जवाब 15 दिन में देगा, यानी जो क्रेडिटर है वो जो भी ऑब्जेक्शन रेज किया है बॉरोवर ने उसके 15 दिन में जवाब देगा। मान लीजिए कि बॉरोवर यदि फेल हो जाए तो बैंक एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि एसेट को पॉजेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकते हैं या मैनेजर अपॉइंट करना। फिर एक सेक्शन आता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 13, तो बॉरोवर एसेट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बिना बैंक के परमिशन के, राइट। सो बॉरोअर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग एसेट पोस्ट डिमांड नोटिस विदाउट बैंक कंसेंट। इफ यू टॉक अबाउट द पेनल्टीज, देखिए सर्फेसी रूल वायलेट करने पर 1 साल इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये सब चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पहला सवाल हम लोग देखते हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि आपसे पूछा जा रहा है कि सर्फेसी एक्ट इनिशिएट करने के लिए मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होना चाहिए। तो अभी मैंने बोला कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है 1 लाख होना चाहिए, राइट, मिनिमम, इससे ऊपर होगा तो चलेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर कह रहा है कि डिमांड नोटिस कौन सी सेक्शन के अंदर इशू होता है, तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है कि कंसोर्टियम लैंडिंग में एक्शन इनिशिएट करने के लिए मिनिमम कितना परसेंटेज लैंडर की एग्रीमेंट चाहिए, तो 60% लैंडर की एग्रीमेंट चाहिए। तो कंसोर्टियम लैंडिंग में एक्शन इनिशिएट करने के लिए मिनिमम 60% लैंडर की एग्रीमेंट चाहिए होगा। तो दोस्तों आपको सर्फेसी एक्ट का प्रोसेस समझ में आया क्या? आप जानते हैं किसी और कॉम्प्लायंस की डिटेल जो बैंकिंग सेक्टर में इंपैक्ट करती हो कमेंट में शेयर करें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है रिटेल बैंकिंग में मार्केटिंग के स्टेजेस को समझते हैं। तो देखिए कैसे बैंक मार्केट के एनालिसिस से लेकर इंप्लीमेंटेशन और कंट्रोल तक अपने गोल अचीव करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला आता है इसमें 4 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला स्टेज है हमारा मार्केटिंग एनालिसिस। देखिए यहाँ बैंक मार्केट और कंपटीशन को समझते हैं। कौन सा एनालिसिस होता है? सोट एनालिसिस। सोट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है। तो इस एनालिसिस के माध्यम से बैंक क्या करती है, मार्केट और कॉम्पिटिशन को अच्छे से समझती है। यह टूल मार्केट की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करता है,
राइट, इसको बोलते हैं मार्केटिंग को प्रॉपरली एनालाइज करना, शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इस मार्केटिंग प्लानिंग, यानी इस स्टेज में SBU के बारे में हमने बात की थी, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट। तो SBU के गोल डिफाइन होते हैं, SBU डिफाइन होते हैं और गोल और ऑब्जेक्टिव भी सेट होते हैं। यहाँ मार्केटिंग प्लान ड्राफ्ट होता है जो टारगेटिंग, पोजिशनिंग, मार्केटिंग मिक्स, बजटिंग और कंट्रोल को कवर करता है। तो SBU डिफाइन करेगा, गोल और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा, मार्केटिंग प्लान ड्राफ्ट करेगा, इसके अंदर टारगेटिंग, पोजिशनिंग, मार्केट मिक्स, बजटिंग ये सब के सब आता है। फिर आता है मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन, यानी यह स्टेज आंसर करता है कि हु, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफ ऑफरिंग। याद रखिएगा, इसे पूछा जाता है कि मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन क्या आंसर करेगा, हु, वेयर, व्हेन, हाउ फॉर ऑफरिंग, राइट। इसमें लोग, कल्चर, स्ट्रक्चर और कोहेसिव एक्शन प्रोग्राम बहुत जरूरी होती है, राइट। इट रिलाइज ऑन पीपल, कल्चर, स्ट्रक्चर एंड कोहेसिव एक्शन प्रोग्राम, CAP इसको बोलते हैं। फिर एक आता है मार्केटिंग कंट्रोल, यहाँ गोल को रेगुलेट किया जाता है थ्रू ऑडिटिंग, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव मेथड, राइट। दोनों मेथड चाहे रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव हो यूज होते हैं। करेक्टिव एक्शन ऑपरेशनल या स्ट्रेटजिक लेवल पे लिया जाता है। तो देखिए, यदि हम इफेक्टिव मार्केटिंग कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहले अनवाइस होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, सिस्टमेटिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा और प्रियोडिक होना चाहिए। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केटिंग कंट्रोल के, राइट। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो पहला सवाल देखते हैं कि मार्केटिंग एनालिसिस स्टेज में कौन सा टूल कॉमनली यूज होता है। पेस्ट एनालिसिस नहीं, शॉर्ट एनालिसिस बिल्कुल सही, पोटर 5 फोर्सेस, BCG मैट्रिक्स गलत। कौन सा स्टेज है मार्केटिंग प्रोसेस में जिसका फोकस होता है कि हम SBU को डिफाइन करें और मार्केटिंग प्लान को ड्राफ्ट करें। तो SBU को डिफाइन करना मतलब SBU कौन से स्टेज में डिफाइन होता है, तो मैंने पहले बताया एनालिसिस होता है इसमें नहीं होता है, प्लानिंग में होता है, राइट। तो प्लानिंग में हम लोग SBU को डिफाइन करते हैं। SBU क्या होता है हमारा, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इसी पार्टिकुलर सेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग के किस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन रिएक्टिव और प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी को यूज करता है, इवैल्यूएट करता है और रेगुलेट करता है गोल को। सही जवाब है मार्केटिंग कंट्रोल, ठीक है। और हु, व्हेन, वेयर होता है मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत से और भी टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोग पार्ट 8 में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF की रिक्वायरमेंट है, हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं जो कि मात्र 140 रुपये में आपको मिलेगा। बहुत से इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। विशेष जानकारी के लिए मुझे या तो व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने कोर्स का लिंक दे रखा है, डायरेक्टली आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।